श्रीगंगानगर के घड़साना से अब खबर, जहां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत 3 एसटीआर में बैठक बुलाई गई, जिसमें सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो ने प्रवासी मजदूरों की जानकारी देने के निर्देश दिए और साथ ही कोरोना से बचने के उपायों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव जीत सिंह समेत सभी वार्ड पंच भी मौजूद रहे। गंगानगर के घड़साना में मॉडिफाइड लॉकडाउन 4 के बाद कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत 3 एसटीआर के सरपंच एक्टिव एक्शन में लग रहे हैं। आज अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया गया और सभी वार्ड पंचों को सख्त से सख्त निर्देश भी दिए गए कि तमाम इलाके में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, ताकि इलाके में कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत 3 एसटीआर के सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो। सर, आपके द्वारा जो आज बैठक की गई है, उसमें तमाम क्या साफ चौबंद प्रबंध और दिशा निर्देश दिए गए हैं? कोरोना वैश्विक महामारी के चलते और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आज बैठक रखी गई। बैठक में क्रमशः लोगों को बुलाया गया। वार्ड पंचों की बैठक अलग अलग चर्चा की गई, जिसे मुख्यतः सोशल डिस्टेंस की पालना की गई और मुख्यतः कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता का और जो बंद पड़े हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उनको शुरू किया जाए, और जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी राज्य या राष्ट्रीय जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके नाम दिलवाए। बिल्कुल, तमाम व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत के द्वारा की जा रही है, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके लिए भी वार्ड पंचों को ये कहा गया है कि इसकी जानकारी आप प्रशासन को दें और ग्राम पंचायत के मुखिया को दें, ताकि उस पर तमाम इंतजाम किए जा सके और कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वहीं स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करने के लिए वार्ड पंचों को अपील की गई है। मैं मेरे कैमरामैन राकेश के साथ विकास पारिक A1 TV गढ़सा।